मम्मी मेरे नए लैपटॉप का क्या हुआ? बेटा अभी कुछ टाइम ना पुराने वाले से काम चला ले, अभी तेरे पापा का काम भी थोड़ा हल्का चल रहा है। हर बार वही बात। अरे जब बस का नहीं था तो मेरा एडमिशन क्यों कराया इंजीनियरिंग में? ये कैसी बातें कर रहा है अरब? अभी कुछ दिन पहले जो तेरी एनुअल फीस जमा करवाई है ना हमने, और तुझे पता है जिस लैपटॉप की तू जिद कर रहा है ना वो कितना महंगा है? हाँ पता है, 1,15,000 का ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरे कॉलेज के बच्चे इससे भी महंगा लैपटॉप लेके आते हैं? अरे बेटा तो हमें किसी की हिर्स थोड़ी है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, और तेरे पापा जैसे तैसे करके तेरी पढ़ाई का खर्चा पूरा कर रहे हैं ताकि तू इंजीनियर बन जाए। और इसीलिए तो तुझे स्कूटी भी दिलाई थी कि आने जाने में तेरा टाइम खराब ना हो और तू अच्छे से मेहनत कर पाए। मम्मी ये फालतू की बात है, मुझसे करने की जरूरत नहीं है। और मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि अगर 2-4 दिन में मुझे लैपटॉप नहीं मिला ना तो मुझसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद मत करना। लो आ गए पापा, बता देना उन्हें कि अगर इस बार मैं एग्जाम में फेल हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं आप लोग होंगे। आंटी जी। हाँ जी बेटा बोलो। आंटी जी मैं आपके पड़ोसी की गाड़ी साफ करता हूँ, क्या आपको भी करवानी है? नहीं बेटा, हम अपनी गाड़ी खुद ही साफ कर लेते हैं। कोई बात नहीं आंटी जी, एक्चुअली मैंने सोचा आप किसी और से अपनी गाड़ी साफ करवाती होंगी तो मैं उससे कम पैसों में साफ कर देता। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी शैलेश। अच्छा कहाँ तक पढ़े हो? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आखिरी साल है मेरा। तो बेटा फिर ये सब काम? वो आंटी जी इससे मेरी कॉलेज की फीस भरने में हेल्प हो जाती है, और इसके अलावा मैं शाम को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को ट्यूशन भी दे देता हूँ। बेटा सुबह शाम काम करते हो तो फिर पढ़ते कब हो? ये सब काम निपटा के मैं करीब 10 बजे कॉलेज जाता हूँ और शाम को 4 बजे वापस आता हूँ, और आते जाते बस में जितना भी टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई कर लेता हूँ। और तुम्हारे पिताजी वो क्या करते हैं? पिताजी साइकिल पे प्लांट्स बेचने का काम करते हैं, उनकी कमाई से घर का खर्च चल जाता है और मैं अपना और अपनी पढ़ाई का खर्चा ये सब काम करके निकाल लेता हूँ। अरे जब बस का नहीं था तो मेरा एडमिशन क्यों कराया इंजीनियरिंग में? तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता कि खुद ही कमा कर पढ़ रहे हो? अगर पिताजी हेल्प करते तो। अरे आंटी जी इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है, इंजीनियरिंग करना मेरा खुद का ही तो सपना है और इतनी मेहनत मैं अपने फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ, कल को जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो मेरा ही तो नाम होगा। शैलेश भैया आप यहाँ? आरब तुम, ये तुम्हारा ही घर है? हाँ भैया ये घर तो मेरा ही है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ मम्मी ये शैलेश भैया हैं, हमारे कॉलेज में मेरे सीनियर हैं, अब हर साल यही टॉप करते हैं। तो शैलेश भैया आप यहाँ कैसे? एक्चुअली पिछले 2 दिन से मैं तुम्हारे पड़ोसी की गाड़ी धोने का काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आंटी जी से भी पूछ लूँ, उन्हें भी अगर गाड़ी धुलवानी हो तो। क्या भैया आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है यार, अब अगर मैं मेहनत करके 4 पैसे कमाऊंगा तो अपने परिवार की हेल्प कर पाऊंगा। हर माँ बाप इस लायक नहीं होते यार कि अपने बच्चे के कॉलेज की महंगी फीस भर सके, उसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर सुविधा दे सके, लेकिन ये सब सोच के मैं हार मान जाऊं ये मुझे गवारा नहीं। इंजीनियर बनना मेरा खुद का सपना है तो उसे पूरा भी तो मैं ही करूंगा ना। अच्छा आंटी जी मैं चलता हूँ, कॉलेज जाना है वरना लाइब्रेरी में कंप्यूटर नहीं मिलता। ठीक है बेटा, भगवान करे तुम खूब तरक्की करो, और हाँ कल से हमारी गाड़ी भी साफ कर देना। थैंक यू आंटी। अपनी पढ़ाई लिखाई को पेरेंट्स पर बोझ मत बनाओ, उनके त्याग को समझो और मेहनत से अपना फ्यूचर बनाओ।